सपोज आप फ्रूट लेने गए मार्केट और आपने उसको जाके बोला चलो 1 किलो सेब दे दो। कभी कभी ऐसे फल वाले मिलते हैं जो कहेंगे नहीं साहब आज मेरे पास ताज़ा नहीं है, आप सामने की दुकान से ले लो। मिलता है कभी कोई ऐसा? मिलता है ना, ये घोर कलयुग में भी ऐसे लोग मिलते हैं ना जो कहेंगे नहीं नहीं साहब आज आप मेरे से नहीं लो, आप सामने वाले से ले लो। वो सेब की दुकान भी एक बिजनेस हाउस है, हर चीज़ एक बिजनेस है, साइज कुछ भी हो सकता है उस बिजनेस का, लेकिन वो भी तो एक बिजनेस है ना। उस दिन वो 200 रुपये, वो 150 रुपया उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी इनकम थी, लेकिन उसने अपने फायदे का नहीं सोचा। उसने किसके फायदे का सोचा? उसने आपके फायदे का सोचा। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लॉस हो गया था। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? दुआएं कमाई, गुडविल कमाई। अच्छा, फिर ये बात आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, आप घर जाएंगे, आप कहेंगे कमाल का बंदा मिला था आज तो, मतलब मैं ले रहा था अच्छा भला, मैंने लिफाफा बना लिया था, आके मुझे कहता है नहीं यार रख दो। आज के जमाने में भी ऐसे लोग मिलते हैं, आप 4 लोगों को बताएंगे, वो 4 लोग भी उसके लिए कैसी थॉट क्रिएट करेंगे, अच्छा ऐसा भी मिलता है, क्योंकि हमें तो कोई ऐसा मिला था जो नीचे 2 सड़े हुए सेब रख दे, ऊपर से 3 अच्छे वाले रख दिए। तो ऐसा, तो 5 लोगों ने उसको दुआएं भेज दी। उस दिन उस व्यक्ति ने धन नहीं कमाया, उस दिन उसने दुआएं कमाई। पर दुआओं से घर तो नहीं चलेगा, घर तो धन से ही चलेगा ना, खाना खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, बच्चों को खिलाना है, लेकिन उस दिन उसने दुआएं कमाई तो फिर क्या वो धन कमाएगा? ज्यादा कमाएगा? कैसे ज्यादा कमाएगा? उसने कमाया ही नहीं उस दिन। उस दिन के बाद आप हर बार किस दुकान पे जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। आप उस दिन के बाद उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं कि वो रेट कितना है उस फ्रूट का, आप उसको देखेंगे भी नहीं कि वो कैसे तोल रहा है, मोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या कर लिया यहाँ पर? संपूर्ण ट्रस्ट। लेकिन वो संपूर्ण ट्रस्ट उसने अपने कर्म से कमाया है, उसने अपने कर्म से कमाया, ऐसे फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। और अगर किसी ने 2 सड़े हुए एप्पल रख दिए थे या 1 सड़ा हुआ एप्पल, फिर आप उसके पास 4 बार बार्गेन करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया ये व्यक्ति उतना एथिकल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में इस समय हमें प्रायोरिटी रखनी है, हमें अपने कर्मों से दुआएं कमानी है। और जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे। अगर आप एक्स कमाते हैं, अगर आप एक्स कमाते हैं और आप गुडविल कमा लीजिए, नॉट जस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। एक होती है गुडविल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है गुडविल ऑफ एन इंडिविजुअल। भगवान कहते हैं राइट हैंड बनो, परमात्मा का राइट हैंड बनो। परमात्मा का राइट हैंड मतलब परमात्मा जो कहे तुम उसी टाइम उसको एग्जीक्यूट कर दो। इसी तरह हम सबके पास कोई एक राइट हैंड होता है, होता है या नहीं होता? किस किस के पास एक राइट हैंड है कोई, है ना? राइट हैंड की क्वालिटी क्या होती है, किसको हम कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, किसको कहते हैं ऐसा? इसको बोल दिया बस मैं निश्चिंत, ये है उस इंडिविजुअल की गुडविल। ये गुडविल है, ये उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं आती है, ये उसके एक्सपीरियंस से भी नहीं आती है, ये उसके काम करने के तरीके, विधि, सिंसियरिटी, क्वालिटी, दुआएं मिलती हैं उस व्यक्ति को। अब हर बार जब आप उसको काम देते हैं ना, हाँ वो तो है ही, और फिर हर कर्म हमारा पास्ट रेफरेंस बनते 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 हमारी गुडविल क्या होती जाती है, ऐसे बनती जाती है। अब आप जब भी उसको काम देंगे ना, आप यहां से एक थॉट क्रिएट करते हैं, इसको दे दिया ना अब मैं निश्चिंत, इसको दे दिया ना मेरे को पता है काम टाइम से पहले। हर सेकंड में वो दुआएं कमाता है व्यक्ति, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम दुआएं कमा रहे हैं। ये जो आत्मा दुआएं कमाएगी उसकी ये बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज्ड। तो परमात्मा बाबा हमें सिखाता है कि बैटरी को चार्ज करने के 2 तरीके हैं। बैटरी मतलब सोल पावर, वो हमारा रेजिलियंस डिनोमिनेटर, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, ये इनर पावर। इसको कमाने के, चार्ज करने के 2 तरीके हैं। एक अपना पुरुषार्थ कि हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे संस्कार कर रहे हैं। दूसरा कर्म ऐसे करो जो सबकी दुआएं मिल जाए, और दुआओं से ये बैटरी पुरुषार्थ से ज़्यादा जल्दी चार्ज होती है,
क्योंकि दुआएं कितने लोगों से मिल जाएंगे हमें, एक आपको इंडिविजुअली दुआएं मिलेंगी, फिर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, कितने लोग उसको रोज़ यूज़ करते हैं, हर बार जब यूज़ करते हैं। आज कुछ नहीं है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, मैंने इसको एक्स अमाउंट में ख़रीदा, ठीक है। अब जब मैंने एक्स अमाउंट में ख़रीदा तो एक प्रोडक्ट के साथ एक क्वालिटी की भी एक वैल्यू थी। अगर ये थोड़े समय में थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा कुछ हो रहा है, मैं उस ग्लास को यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन हर बार उस ग्लास को देखकर मैं क्या क्रिएट करती हूँ, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। क्या है, 100 रुपये का लिया, एक साल में टेढ़ा हो गया, फिर चार लोग बैठे होते हैं, देख भाई 100 रुपये में लिया था, टेढ़ा हो गया। एवरी टाइम आई विल यूज इट, हम फेंकते भी तो नहीं ना जल्दी जल्दी चीज को, तो वो हमारे सामने होती रहती है, हम उसको याद करते रहते हैं, हम उसको याद करते रहते हैं, उनको ऑपोजिट एनर्जी देते रहते हैं, हमें पता भी नहीं किसने बनाया, हमें नहीं पता। अब आपके घर से अगर मेरे घर में कोई ग्लास है तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो आपकी कंपनी से आया हुआ है, मुझे सिर्फ वो ग्लास दिख रहा है बस। हाँ, कोई तो कुछ तो चीज बनाते होंगे ना, तो मैंने उसको, अब इसका ऑपोजिट करो, हर बार जब उस चीज़ को यूज़ किया, हर बार जब उस चीज़ को यूज़ किया, रॉ मटेरियल भी जाएगा तो फाइनली तो प्रोडक्ट ही बनेगा, फाइनली तो प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल अगर जाता है तो जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है, वो तो हमने कल देख लिया, रॉ मटेरियल की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आगे भी सबको, जिनको आपकी वजह से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी उसका रूट कॉज भी आप हैं। इसलिए हर कर्म ऐसा करें, दुआएं कमाएं, खुश रहने के लिए कुछ और नहीं करने की ज़रूरत है। खर्चा बहुत करते हैं हम खुश रहने के लिए, ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, हॉलीडे पे जाओ, उधर हॉलीडे पे जाओ, ये जाओ, इधर रेस्टोरेंट में जाओ, ये तो खुश कैसे हो। खुश रहने का एक ही तरीका, दुआएं कमाओ। ईजी है दुआएं कमाना, क्या ज़्यादा ईजी है, धन कमाना या दुआएं कमाना? इवन सिंपल चीज़, आप मार्केट गए शाम को, आपने सोचा बस मुझे दुकान में जाना है, सामान लाना है, वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, आपने उसके पीछे अपनी गाड़ी या स्कूटर अटका दी, आपने सोचा बस मैं गया कि मैं आया, ठीक है, लेकिन जितनी देर में आप आए नहीं, उस गाड़ी में कोई आ गया, लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि हमने इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया था। अब चाहे 20 सेकेंड ही उसने आपके इंतज़ार किए हो, लेकिन उस 20 सेकंड में आपको पता ही नहीं उसने कितनी सारी, ये छोटे छोटे कर्म है, छोटे 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 कर्म, जब छोटे छोटे कर्मों में अटेंशन रखेंगे तो फिर बड़े बड़े कर्म तो अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो कोई भी कर्म करने से पहले हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, मेरे से कौन से कलर की एनर्जी निकल रही है और इसके रिटर्न में मेरी तरफ कौन से कलर की एनर्जी आने वाली है। जिसने दुआएं कमाना अपने जीवन का लक्ष्य रख लिया, उसका भाग्य हमेशा कैसे होगा? किस किस को अनुभव है, जीवन में कोई बड़ी बात आती है, ऐसा लगता है बहुत बड़ी है, असंभव, लेकिन वो ठीक हो जाती है, तो सब लोग क्या कहते हैं, सब कहते हैं किसी की दुआ लगी, बोलते हैं कि नहीं, किसी की दुआ लगी। और अगर चलता चलता काम बिगड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, किसी की नजर लगी। ये किसी की नजर लगी या किसी की दुआ लगी, ये फ्री में नहीं मिलती है, दुआ भी कमानी पड़ती है और नजर भी अपने ही कर्मों से कमाई हुई है और कोई चीज नहीं है। ऐसे नहीं कोई मेरे लिए ऐसे नेगेटिव सोच रहा है, मैंने कुछ कर्म किया है, पूर्व जन्म का तो है ही, पूर्व जन्म, आज आपने सुबह स्टडी किया कि हम कौन हैं, आत्मा है, राइट। कभी कभी चलते चलते हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं, हम कहते हैं मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। आप कोविड में देखो, 1.5 साल में कितने परिवारों में कुछ ऐसी बात आ गई कि उनका पूरा परिवार बदल गया। तो मन क्वेश्चन करता है ना कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत कर्म नहीं किया था, मुझे क्यों ये बीमारी आ गई, मुझे क्यों ये बात आ गई, मेरे सामने क्यों ये संकट आ गया। तो कर्म किसका है, आत्मा का कर्म होता है। एक सेकंड आता है, मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, अंतिम संस्कार शरीर का होता है,
अंतिम संस्कार शरीर का होता है। आत्मा के लिए पंडित जी उस दिन आके आपके घर वालों को कहेंगे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मतलब क्या? वो नहीं मरी, वो अजर अमर, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी नहीं मरनी। ये शरीर मिट्टी का, मिट्टी में गया, तो आत्मा गई किधर? आत्मा किधर चली गई? आत्मा उसी टाइम एक शरीर छोड़ती है और दूसरे गर्भ में एंटर कर जाती है, और कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप वो तिथि तारीख पंडित जी को दे देते हैं, और पंडित जी एक दिन के अंदर क्या बना के दे देते हैं? जन्म पत्री बना के देते हैं। कभी हमने सोचा? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म किया ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो गया? पता है 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा। वो जो जन्म पत्री बनती है ना, वो 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। वो आपकी इस जीवन की 1 अप्रैल है। अब ये पूरा जीवन हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है ऑफ बिजनेस, लेकिन वो 1 अप्रैल है हमारा, वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। लेकिन फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सी थी? मेरा इस शरीर के अंदर लास्ट मिनट तक जितने मैंने ट्रांजैक्शन किए, जितनी मैंने थॉट्स क्रिएट की, जितने मैंने शब्द बोले, जो मैंने व्यवहार किया, वो यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है। और 1 सेकंड आता है, मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो पीछे क्या क्या रह जाएगा? सब कुछ। मतलब परिवार, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर वो कोई नहीं है आपके लिए। कभी हम सोचे, जो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए कोई नहीं। वो तो बोलेंगे, लेकिन हमारे लिए भी वो कोई नहीं रहता उसके बाद। इट्स ओवर, इट इज जस्ट कंप्लीट। ये बात हर बार अपने को पक्की करानी जरूरत होती है। 1 सेकंड के अंदर वो रिश्ते जो हमारे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे हैं, इट्स नोबडी, वो कुछ नहीं है। अच्छा, जो हमने इतनी मेहनत से कमाया वो भी कुछ नहीं है। जो हमने पढ़ाई की वो भी कुछ नहीं है। अगली बार फिर नर्सरी में जाना पड़ेगा, राइट? तो है ना, फिर से। सिर्फ एक ही चीज है जो कैरी फॉरवर्ड होती है, कर्म और संस्कार। संस्कार किस किस के घर में? 1 से ज्यादा बच्चे, 2 बच्चे किसके हैं? किस किस के दोनों बच्चे एक जैसे हैं पर्सनैलिटी वाइज में? नहीं है ना, नेचर अलग अलग है। कभी हमने सोचा? हम पेरेंट सेम है, घर सेम है, शहर सेम है, स्कूल भी शायद सेम ही उनको डालते हैं, जो कुछ उनको देते हैं वो भी हम सेम देते हैं। ये 2 बच्चे इतने अलग क्यों हैं मेरे? ये 2 बच्चे इसलिए अलग हैं क्योंकि ये बच्चे 2 मेरे सिर्फ अभी हैं। ये आए कहाँ से हैं? ये पहले 2 अलग अलग पास्ट से आए हैं। इनके 2 अलग अलग सेट ऑफ संस्कार हैं, सेट ऑफ कार्मिक अकाउंट हैं, अब ये मेरे घर में आए हैं। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आत्मा, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक है हमारा शॉर्ट टर्म बिजनेस जो अभी है, एक दिन सडनली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक है हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस। यहाँ कर्म और संस्कार, और ये हम फ्यूचर के लिए नहीं कर रहे, कर्म और संस्कार के आधार से हमारी प्रेजेंट डेस्टिनी भी बनती है, लेकिन ये यहाँ फिनिश नहीं होती। अब अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत चल रहा है, मेरा व्यवहार या मेरा काम करने का तरीका, या एक दिन आएगा मैं आत्मा शरीर छोड़ लूँगी, एक दिन आएगा वो भी छोड़ लेंगे, लेकिन हमारा कार्मिक अकाउंट बना हुआ है, और फिर हम फिर ज़रूर मिलेंगे। हम सब हमेशा मिलते हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई एक दूसरे को पहली बार नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका इतना स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट है। आप अपनी जीवन के इतने सारे साल का मेजॉरिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, आपका कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के साथ। इसीलिए जिस दिन आपकी शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या कहा था, कितने जन्म? 7 जन्म। उसका मीनिंग क्या? उसका मीनिंग ये नहीं है कोई आप 7 जन्म हस्बैंड वाइफ बनते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हस्बैंड वाइफ इतना स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट है तो इसलिए कहते हैं 7 जन्म। मतलब आप पहले भी मिले थे, आप पहले भी मिले थे, अब मिले हैं और फिर मिलेंगे। तो कार्मिक अकाउंट कैसा रखना चाहिए हर एक के साथ? जो भी आपके जीवन में इस समय आपको तंग कर रहे हैं, थोड़ा भी, सबसे पहली बात, वो मुझे तंग कर क्यों रहे हैं?
मैंने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? पुराना, हाँ, यस यस, सिंपल है, सिंपल है। सपोज मैं आपसे अभी, भाई साहब, अभी मैं आपसे 1000 रुपीज़ बोरो करती हूँ और मैं घर चली जाती हूँ, मेरे को चाहिए थे, मेरे को टैक्सी के पैसे देने थे, मैंने ले लिया, मैं घर गई, आप घर गए, आपकी ड्रेस चेंज हो गई, मेरी भी ड्रेस चेंज हो गई, फिर हम नेक्स्ट वीक मिले, तो क्या मैंने 1000 रुपीज़ वापस करने हैं नहीं करने है? छोड़ दो ना, मेरी ड्रेस तो चेंज हो गई ना, लेकिन अब क्या याद रखना उस बात को, छोड़ दो। आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप क्या कहेंगे, ड्रेस ने थोड़ी पैसे लिए थे, किसने पैसे लिए थे? आपने लिए थे, तो आप वापस करेंगे। ये शरीर सिर्फ एक ड्रेस है, ये शरीर सिर्फ एक ड्रेस है। सपोज मैं इस ड्रेस में इनके साथ बिजनेस करूं, हम पार्टनर्स हो गए बिजनेस में, हमने बहुत अच्छे से किया, फिर आधे रास्ते चलते चलते मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मैंने गलत तरीके से इनको हटा भी दिया वहां से, मेरे एक कर्म की वजह से इनका सारा भाग्य बदल गया, इनका धन का नुकसान हुआ, इनके शरीर की हेल्थ खराब हो गई, इनका परिवार बिखर गया। किसकी वजह से हुआ? मेरे कर्म से हुआ। लेकिन उसके बाद हम कभी नहीं मिले, फिर हम कभी ना कभी मिलेंगे, और जैसे ही हम दोनों सामने सामने आएंगे, किसी भी रिश्ते में आ सकते हैं, शरीर चेंज्ड होगा, रिश्ता, हम कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बनने वाले, कोई भी रिश्ते के फॉर्म में आ सकते हैं, फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा करते जाएंगे जिससे वही एनर्जी जो मेरे से क्रिएट होकर उनके पास गई थी, वही एनर्जी अब उनसे क्रिएट होकर मेरे पास आएगी। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब कार्मिक अकाउंट वापस नहीं आना चाहिए? गलत मुझे नहीं करना चाहिए, वो ठीक है, बट मैंने अगर किया है तो वो कार्मिक अकाउंट मेरे पास वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ, बट होना चाहिए या नहीं होना, ये लॉ ऑफ नेचर अच्छा है या नहीं अच्छा है? अच्छा ना, क्योंकि बहुत सारे हमने अच्छे कर्म किए हैं, उसका भी रिटर्न आज हमारे पास है। मेजॉरिटी कर्म हमारे बहुत अच्छे वाले होते हैं। आज हम एक अच्छे शरीर के अंदर बैठे हैं, आज हमारे पास एक अच्छी जॉब है, आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी जॉब चली गई इस 1.5 साल के अंदर, आज हमारे पास एक अच्छी जॉब है, हमारे ही अच्छे कर्मों का ये फल है, आज हमारे पास एक प्यारा परिवार है, आज हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सीखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। निमित्त भले हम बोले ओ नीरज भाई हमें लेकर आए, भले निमित्त, कोई सिर्फ निमित्त होता है, बाकी हो सिर्फ सब कुछ वो रहा है जो हमारे कर्मों का भाग्य से हम लिख कर लाए हैं। तो 99% हमारे कर्म बहुत परफेक्ट होते हैं, तो हमारे भाग्य भी 99% बहुत अच्छा ही चलता है, कुछ एक आधी चीज आ जाती है। लेकिन अब जैसे ही वो कोई एक आधी चीज आ जाए, तब सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि ये मेरे पास क्यों आ रही है। जो हम यहां से क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा कर्म, और जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारा भाग्य। तो मैंने बॉल यहां से लिया, उस दीवार पे फेंका, जो बॉल मैंने फेंका वो क्या है? मेरा कर्म। और जो बॉल वहां से हिट होकर वापस आया वो क्या है? मेरा भाग्य। अब कोई भी ऐसा बॉल अपनी लाइफ का देख लीजिए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का व्यवहार, कोई सेहत की बात, कोई काम में बात, कुछ भी, कोई भी एक चूज कर लीजिए, उसको आज चेंज करना है, ठीक है? चूज कर लिया, अब वो सामने से आ रहा है, उसको हम ब्लैक कलर बोलते हैं। अब अगर मेरे पास ब्लैक कलर की बॉल आ रही है, वो क्यों आ रही है, पहले वो आंसर करते हैं हम अपने आप को, क्यों आ रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वेरी गुड, सिंपल हो गई लाइफ बहुत, ये लाइफ बहुत सिंपल कर देता ये, कि ये बॉल इस डायरेक्शन में आ ही नहीं सकती जब तक ये बॉल यहां से गई नहीं थी। तो मैंने भगवान को ब्लेम करना बंद कर दिया कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने उनको भी ब्लेम करना बंद कर दिया कि हम कभी ना कभी कुछ करके आए, ठीक है? अब कोई बात नहीं,
वो तो पास्ट में किया था, अब मुझे याद नहीं है वो कब किया था, लेकिन अब जब ये ब्लैक बॉल मेरे पास आ रही है, अब मेरी पावर क्या है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जैसे ही कुछ मेरे पास आएगा, हम थॉट क्रिएट करेंगे, हम वर्ड बोलेंगे, हम व्यवहार, मतलब है हम एक नया कर्म कर रहे हैं। पहले वाला जो बॉल आ रहा है कौन से कलर का है? ब्लैक। किसने फेंका था? अच्छे से बोल दो, हम नहीं बोलना, मैं बोलना, मैं बोलने से जरा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैंने भेजा था। तो ये ब्लैक कलर बॉल मेरे पास क्यों आ रहा है, किसने भेजा था? मैंने भेजा था। अब मुझे कौन से कलर का फेंकना चाहिए? लेकिन सामने वाला तो ब्लैक भेज रहा है मेरी तरफ, तो मुझे अब कौन सा भेजना चाहिए? पक्का आप रेडी है फेंकने के लिए? और अगर वहां से 5 और ब्लैक आ गए तो का ये मत सोचना ये ब्लैक आया, मैंने व्हाइट फेंका तो अभी वहां से व्हाइट आना चाहिए। मुझे ये नहीं पता मैं कितने हजार ऑलरेडी ब्लैक फेंक कर आई हूं वहां पर। ये व्हाइट फेंकने से पता है क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा प्रेजेंट कर्म सही हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट कर्म सही हो जाएगा, और जो यहां से प्रेजेंट में जाएगा वो वहां से वापस आना ही है, आना ही है। लॉ ऑफ कर्मा उतना ही सच है जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आप बॉल इस डायरेक्शन में फेंकेंगे तो इसी डायरेक्शन में फेंकेगी, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आपको स्पेस में बाहर जाना पड़ता है लॉ ऑफ ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा से छूटने के लिए आप कहीं नहीं जा सकते। तो कितना भी ब्लैक आ जाए सामने से, सिर्फ ये ध्यान रखना कि अब मेरी तरफ से कौन सा जाना चाहिए? वाइट। आज वाइट फेंकेंगे, आज के आज तुरंत प्राप्ति है, मेरा मन ठीक रहेगा, मेरा शरीर ठीक रहेगा, मैं बेटर फील करूंगी इमीडिएट। और वाइट फेंका है तो वापस कौन सा आने वाला है? वाइट। ये है दुआएं कमाना। दुआएं मांगने से दुआएं मिलती नहीं है। हाँ, कोई आपको बोलेगा हाँ जी आपका सब अच्छा होगा तो फिनिश्ड, लेकिन दुआएं कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे श्रेष्ठ कर्म।